कहाँ गायब रहे हो सारा दिन? बहुत थककर आया हूँ। वो तो आ रहे हो, करते क्या रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। क्यों, वहां कौन मिल गया था? एक बुजुर्ग आके पड़े हुए हैं वहां पे, काफी पहुंचे हुए हैं। रोजाना उन्हीं के पास जा रहा हूँ। बहुत पहुंचे हुए हैं? कहां से आए हम? बहुत दूर से आए हैं, काफी खिदमत कर रहा हूँ यार उनकी। कुछ तो कहा होगा तुमसे उन्होंने, इतने दिनों से जो जा रहे हो। नहीं, अभी तो वो मेहरबान नहीं हुए, पर सुल्ताना मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ ना, तू देख लेना, वो कभी जाया नहीं जाएगी। देख ले, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, तू देखती जा बस। और कितने दिन लगेंगे? कुछ तो कहा होगा उन्होंने। तू जानती तो है सुल्ताना, ऐसे काम यूं झटपट कहाँ होते हैं। सबर से काम ले, हमारी किस्मत खुल जाएगी, तू देखती जा। देखती जा, देख ही रही हूं, देख ही रही हूं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कब हो जाएगा? मैंने नहीं खुलवानी किस्मत, ना फिरे दिन। दो वक्की रोटी मिल जाए और इस मनहूस मकान का किराया। रोटी भी मिलेगी, किराया भी मिलेगा और तेरी चारों की तेरी दो कंगनियों को। तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सारा सारा दिन गायब रहते हो घर से, मैं इस पिंजरे में कैद रहती हूं, ना कहीं आ सकती हूं, ना कहीं जा सकती हूं। तुम्हें कुछ अंदाजा है कितना वक्त गुजर गया? मुझे काले कपड़े चाहिए। मुख्तार और अनवरी ने अपने अपने जोड़े सिलवा लिए, मेरे कहां से आएंगे? अब क्या बेचूंगी? बेचने को भी कुछ नहीं रहा। अपना काम शुरू कर ले, कुछ तो सहारा होगा, खाने को नहीं है। पर अपना काम शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ सरमाया तो चाहिए ना। तुम कुछ करो, चोरी करो, डाका डालो, लेकिन मुझे मुझे तुम काली सलवार का कपड़ा ला के दो। तू खामखा इतने जोर दे रही है, कहां से लाऊं इतने पैसे? अफीम खाने तक के तो पैसे हैं नहीं मेरे पास। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 3 गज काला साटन चाहिए। तो अगर आज ही 2-3 लोग आ जाएं यहां। 2-3 लोग आ जाएं यहां, मैं ही सारा कुछ करूं? तू कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं बाजार से खाना लेकर आता हूं।
तेरे नैनू ने चोरी किया। तो मुझे 100 दफा बुला सकती हो, 100 दफा कह सकती हो कि यहां से चले जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नाराज नहीं होता ऐसी बातों पे। नहीं नहीं, जाने को किसने कहा है? मेरी शर्तें मंजूर हैं। कैसी शर्तें? निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? न तुम कभी शादी करोगी न मैं। ये चीजें हमारे लिए नहीं है, किसी और के लिए। छोड़ो इन फजूल बातों को, कोई काम की बात करो। मैं क्या बात करूं? तुम औरत हो, ऐसी कोई बात करो कि दो घड़ी दिल बहल जाए। जिंदगी में सिर्फ दुकानदारी सब कुछ नहीं होता। सुनो, साफ साफ क्यों नहीं कहते? तुम मुझसे चाहते क्या हो? वही जो सब लोग चाहते हैं। फिर तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ बातें समझ लेनी चाहिए। समझ गई? तो फिर बोलो क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, लेकिन मैं कहती हूं किसी ने ऐसी बात कबूल नहीं की होगी। तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा औरतें भी मिलेंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगे कि औरत ऐसी जिल्लत भी कबूल कर सकती है।
जो तुम बगैर एहसास के कबूल कर लेते हो। लेकिन इनके यकीन करने से क्या होता है? तुम हजारों की तादाद में हो, तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। मेरा नाम शंकर है। मुझे मालूम है। ये नाम भी क्या ऊंट पटाक होते हैं। शंकर? हाँ। मेरी एक बात मानोगे? पहले बात तो बताओ। तुम कहोगे मैं तुमसे दाम मांग रही हूँ। बता दो। बताओ क्या? जब से यहाँ आई हूँ वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं रहा। कौन सा महीना आ रहा है, कौन सा महीना जा रहा है। मैं पैसे बचा के रख सकती थी। अब मुझे काले कपड़ों की ज़रूरत है। मेरे साथ में अनवरी और मुख्तार रहती हैं, वो तो बना भी चुकी हैं। काली कमीज है मेरे पास, दुपट्टा भी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं काली शलवार बना सकूं। तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे सकूं कि तुम काली शलवार बना लो, हैं? नहीं। मैं चाहती हूँ तुम मुझे काली शलवार ला दो। मेरी जेब में इतने पैसे तो नहीं होते। मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें वक्त से पहले मिल जाएगी।
बंदे दे सकती हो मुझे? ये तो बड़ी मामूली चांदी की बालियां, बहुत थोड़ी कीमत में लगी इनकी। मैंने कीमत नहीं पूछी इसकी। बोलो। काटन की काली शलवार, शायद तुम्हें लंबी हो। कमीज तो रंगवाई भी लगती है, शलवार नहीं लग रही है। कब बनवाई? आज ही दर्जी देखे गए। अपनी बालियां कब ली? आज ही मंगवाई है। Ta na 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 na